अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? मिसेज उमर। क्या मसला है आपका? मसला कुछ खास नहीं, आजकल लाइट बहुत जाती है, इसके लिए हमारे मैजिशियन कुछ कर सकते हैं? भजन आप किसी काम के हो? मैजिशियन कर सकता है? नहीं नहीं, मैजिशियन कर सकता है। ये भी नहीं कर सकते आप? मैजिशियन कर सकता है, बट आई एम नॉट अ मैजिशियन नाउ। आप मेंटलिस्ट हैं। जब मैं मैजिशियन था उसको आप पूछती तो शायद कुछ ट्रिक कर देता। वालों के मेंटल के साथ कुछ करें ना, उनका मेंटलिज्म ठीक हो। उनका मेंटलिज्म नहीं, उनका मैकेनिज्म ठीक करना। हां, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका पार्टनर? अहमद। अहमद, कोई जिंदगी का मसला है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो कोई मसला नहीं है। अभी तक कोई मसला नहीं है तुम्हारा, सब सही चल रहा है जी। सर मैंने नया चीज शुरू किया, जो भी ऑडियंस आती है ना, नाम पूछ के उनसे उनकी लाइफ का मसला पूछता हूँ। जितने भी लोग आते हैं उनकी लाइफ में कोई मसला नहीं है, सब सही है। नहीं, पाकिस्तानी है ना, सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि इस मुल्क के अंदर मसाइल ही मसाइल है हर पाकिस्तानी के लिए। सही बात है, लेकिन आप तो सर बच के निकल जाते होगे। कोशिश करते हैं लेकिन शिकार हो जाते हैं। आप भी शिकार हो जाते हो? कुछ माइंड ऐसे हैं जो आप रीड नहीं कर पा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर प्रॉब्लम्स इतनी सारी आ जाती है, बंदा एक कब तक रीड करे? कब रीड नहीं, कब तक डिफेंड करेगा अपने आप? ये बात भी, ये बहुत क्योंकि रीड करना इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन डिफेंड करना वो आप पे मैटर करता है। ठीक बात। हाँ सर, सवाल। मेरा सवाल सर से है कि आप खुद एक मैजिशियन है, तो आप उन जादूगरों के बारे में क्या सोचते हैं जो पैसे लेते हैं और गायब हो जाते हैं? वो असली मैजिशियन है। वो अच्छा, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कि लोग पैसे लेके गायब हो जाते हैं, वो एक्चुअली वो टेलीपैथी होती है, वो मैजिक नहीं होता कि आपको किसी ने देखा, उसके बाद आप अपना मोबाइल पैसे निकाल के उसको खामोशी से दे देते हो। हाँ सर, वो मैंने देखा है कराची में। वो कराची में तो दिखा के ले लेते हैं। नहीं, वो भी है। नहीं, दिखा के भी ले लेते। मैं आपको बताऊं, हो सकता है आप में से किसी के साथ हो। कुछ वीडियोस मैंने देखी कि एक साहब आए, उन्होंने दुकानदार से यूं हाथ मिलाया पैसे, और दुकानदार ने पैसे निकाल के उनको दे दिए, वो सीसीटीवी फुटेज। हाँ, ऐसा ही। और दुकानदार को एहसास बाद में, वो होश, वो क्या है सर? उनका माइंड कंट्रोल हो जाता है टेलीपैथी के थ्रू। उसके लिए क्या करना है? दुआएं हैं? कुछ नहीं, कोई दुआएं नहीं, इसकी प्रैक्टिस है 9 मंथ्स की। 9 महीने की हार्ड प्रैक्टिस है। पहली प्रैक्टिस में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप तंग आ जाओगे। आपको एक पिन ड्रॉप साइलेंट प्लेस पर बैठना पड़ेगा, कैंडल जला के उसकी लॉ को देखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इंटर होना पड़ेगा कि आपको वाइट नजर आए। कोई ख्याल जहन में नहीं आना चाहिए, ये शर्त है। 9 महीने तक ये प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाए? फिर आपकी मेंटल पावर स्ट्रांग हो जाती है। फिर आप इंसान, जानवर या जो भी जानदार चीज है उसके कंट्रोल कर सकते हो माइंड को। आपने प्रैक्टिस की है? नहीं भाई, मैं तो ट्रिक्स के थ्रू करता हूँ। अच्छा, आप भी कर सकते हो? पैसे कर सकते हो, बट ट्रिक्स के थ्रू कर तो सकते हो आप। मतलब आपको अगर मैं हायर कर लूँ कि भाई महीने का 2-3 करोड़ रुपए इस तरह से, आप कर लोगे? कर लेंगे। और कमीशन कितना बनेगा मेरा? आपका, आपका है ना, आप, मैं तो आप मुझे 2-3 करोड़ दे रहे हो ना। बस ठीक, इसमें हो जाएगा ये 20% आपका। चलो